बागली विधानसभा में शनिवार के दिन पहली बार राज्यपाल का एक दिवसीय दौरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने पीएम आवास, आंगनवाड़ी केंद्र एवं गर्ल्स हॉस्टल का अवलोकन किया। बागली विधानसभा के ग्राम बरझाई में कार्यक्रम के दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं से एवं पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से संवाद किया। साथ ही ग्राम पुंजापुरा में सिविल सेल एनीमिया स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण कर आदिवासी समाज के लोगों से संवाद करते हुए उन्हें सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र का अवलोकन कर गर्ल्स हॉस्टल में राज्यपाल द्वारा पौधारोपण कर अवलोकन कर छात्राओं से चर्चा की। ग्राम पुंजापुरा के पीएम आवास हितग्राही लक्ष्मण के यहाँ परिवार के लोगों के साथ भोजन किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे एवं आला अधिकारी इस दौरे में उपस्थित रहे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। माननीय राज्यपाल महोदय का आज लगभग आधे दिवस का प्रोग्राम जो है बागली के हमारा जो ट्राइबल क्षेत्र है उसमें था, और बड़े स्पेसिफिकली उन्होंने 3-4 जगह संवाद किया। सबसे पहले तो ग्राम बरझई में उन्होंने जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, प्रमुख रूप से जो ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके साथ संवाद करके ये जानना चाहा कि किस तरह से उनके इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। वहाँ की महिला सरपंच ने माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत किया, उनसे भी थोड़ा सा डिस्कशन उन्होंने किया। उसके पश्चात फिर सिकल सेल एनीमिया को लेकर के बहुत पर्टिकुलर हैं राज्यपाल महोदय, और लगभग जिस ज़िले में भी जाते हैं उस पर वो कोशिश करते हैं कि लोगों से संवाद करें। इस बाबत एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था जिसमें जिला स्तरीय डॉक्टर भी उपस्थित थे। ये शिविर शाम तक चलेगा, वहाँ पे किसी भी रोगों का अगर पंजीयन है वो करके उसको आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी उपचार की आवश्यकता है उसको उपचार करेंगे। प्रमुख रूप से ये भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि चूँकि ट्राइबल्स में सिकल सेल की बीमारी बड़ी कॉमन है, चूँकि अगर पेरेंट्स को होती है तो बच्चों को होती है, इसलिए उसके संबंध में उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए और ये भी बताया कि क्या क्या प्रिकॉशंस लोगों को लेना चाहिए। बाद वो एक आंगनवाड़ी में जाके कुछ बच्चियों से उन्होंने चर्चा की, उनको गिफ्ट दिए, और एक जो हमारा अनुसूचित जनजाति का एक हॉस्टल है वहाँ भी माननीय राज्यपाल महोदय गए थे। जो आवास योजना के हितग्राही के घर में भी उन्होंने भोजन स्वतः किया, हितग्राहियों के साथ में उनके परिवार के साथ में भोजन किया। मेरे समझ से पूरा का पूरा जो दौरा प्रोग्राम था माननीय राज्यपाल महोदय का, एक तरह का लोगों के लिए भी उत्साहवर्धक था और हमारे लिए भी एक संदेश था कि किस तरह से नीचे जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, दूरस्थ इलाके हैं, उनमें सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को जा करके और मन लगा करके कार्य करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।